हेलो फ्रेंड्स, कुछ नया सीखिए में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, राखी का त्योहार आने वाला है और हम आज आपके लिए लेके आए हैं किड्स राखी। जी हाँ, किड्स राखी जो कि बहुत इजीली और घर पर अवेलेबल चीजों से बहुत आसानी से बन जाएगी और बहुत ही सुंदर भी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जितनी भी आगे ने आने वाले एक्साइटिंग आइडियाज हैं, क्रिएटिव थिंग्स हैं, उनकी सबकी अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से बनी है, एंड अगर आपको फिर वो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए इसके लिए टू कलर की ऊन एंड ड्रॉप शेप्ड, यहाँ मैंने मोती लिए हैं, ये मोती चाहिए मुझे, एंड सीजर एंड फेविकोल, बस ओनली यही चीजें हमें चाहिए। हाँ, हमें इसके लिए चाहिए एक छोटा पीस बुकक्रम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बुकक्रम के पीस को हम कट कर लेंगे और एक मैंने यहाँ पर लिया है छोटा राउंड कुंदन। इस कुंदन को हम बीच में यहाँ पर बुकरम के ऊपर पेस्ट कर देंगे। एंड इसके चारों तरफ हम अब फेविकॉल अच्छे से लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे ड्रॉप शेप्ड मोती हैं उन्हें इस तरीके से लगाना है। तो लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कितना बड़ा ये बुकरम से बाहर निकल रहा है। तो उसे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा जितना भी आएगा उस एक्स्ट्रा से थोड़ा नीचे हमें ये सारी बुकरम कट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जितना भी ये मोती है मोती से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए अपनी बुकरम को कट कर लेंगे। अब अच्छे से फेविकॉल हमें लगाना है इस पर। जितनी भी अपनी मोती हैं, ड्रॉप स्ट्राइप मोती हैं, उन्हें इस तरीके से चिपकाते हुए चलो। चारों तरफ मैं इस मोती के अपने ये जो ड्रॉप शेप्ड मोती हैं वो चिपकाऊंगी। ये देखिए, एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर साइड में रख देंगे सूखने के लिए। एंड अब हम अपनी ऊन को लेंगे उनको अपनी टू फिंगर पर, हमें दो फिंगर पर इस तरीके से राउंड करते जाना है। लगभग 35 राउंड ऐसे हमें करने हैं। ये देखिए, ये मेरे लगभग 30-35 राउंड हो चुके हैं और एक्स्ट्रा धागे को मैंने कट कर लिया है और थोड़ा सा धागा और कट कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से बीच में से इस धागे को लेंगे एंड यहां पर एक नोट बांध देंगे। नोट बांधने के बाद हम इन्हें अपनी फिंगर में से निकाल लेंगे। देखिए, मैंने नोट बांध लिए इस तरीके से। बहुत टाइटली हमें इसे नोट, यहां पर दो नोट बांधनी है। जितना भी ये थ्रेड है हमारा, इसे बीच में से हमें कट कर देना है।
कि देखिए हमने कट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे इसे इस तरीके से थोड़ा फैला लेंगे एंड एक्स्ट्रा हम कट कर एक सर्कल सर्कुलर शेप इसको दे देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें ये काम करना है, जब तक हमें लगे ना कि हमारा ये बिल्कुल फिनिशिंग से हो गया है, कोई भी धागा ऊपर नीचे नहीं है, तब तक हमें ये थोड़ा थोड़ा इसमें फिनिशिंग देते रहना है। अब यहाँ पर मैं एक टिप आपको देना चाहूंगी, देखिए ये जो बीच में से खुला खुला रह जाता है, ये इसलिए भी रह जाता है क्योंकि हमने ये बिल्कुल टाइटली अभी बंद नहीं किया। तो हम वहां पर क्या करते हैं, ताकि अच्छे से बंद हो जाए, हम वहां पर फेविकॉल लगाएंगे एक लेयर बिल्कुल बीच में एंड उसे थोड़ी देर तक इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे, तो ये जितनी भी वूल है उठी है वो सब नीचे बैठ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अपनी फूल को लेंगे और फूल को हम यहाँ पर अपना पेस्ट कर देंगे सेंटर में। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। मैंने जो है थ्रेड लिया है, ये मैंने 26 इंचेस लॉन्ग लिए हैं एंड इसमें दोनों तरफ मैंने नॉट लगा दी है। अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे और बुकरम एक ली है मैंने, बुकरम पे हम अच्छे से फेविकॉल लगाएंगे एंड अपनी फ्लावर अपनी थ्रेड के मिडल देखकर हम इसे इस तरीके से मिडल पर रख देंगे, पेस्ट कर देंगे हम इसे एंड इनके ऊपर हम अच्छे से फेविकॉल लगाकर अपनी राखी को भी हम इस पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये भी अच्छे से सूखा नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा कि सूखने के बाद ही ये हम करें, अच्छे से सूखा नहीं था ये देखिए। और ये हमारी राखी का फाइनल लुक है। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड जल्दी से बनाइए राखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।